नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। दूसरी तिमाही के नंबर्स आने थे तो कैसे रहे नंबर्स चेक करते हैं। इनकम की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, डेब्ट क्या रहा है उसकी बात करते हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या रहा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के। तो टाटा स्टील के दूसरे तिमाही के नंबर्स को देखते हैं और कंसोलिडेटेड नंबर हैं, करोड़्स में है। और टोटल इनकम की बात करते हैं, इस क्वार्टर में 60,553 करोड़ का टोटल इनकम है और एक साल पहले 39,157 करोड़ का टोटल इनकम था और Q1 में था 53,534 करोड़ का। टोटल इनकम बढ़ के आया है इस क्वार्टर में और अच्छा खासा उछाल आया है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं दोस्तों। टोटल एक्सपेंसेस है 47,135 करोड़ का, 37,000 करोड़ का पिछले साल था और 41,397 करोड़ Q1 में था। तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा किया है इस बार और इनकम भी ज़्यादा हुई है। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड में देखते हैं तो 12,547 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले 1,665 करोड़ का प्रॉफिट था और Q1 में था 9,768 करोड़ का। और टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 11,832 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है और एक साल पहले 2,274 करोड़ का था और Q1 में था 10,382 करोड़। अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देते हैं तो इस क्वार्टर में 99.16 का है और एक साल पहले 13.23 का था और Q1 में था 74.24 का। दोस्तों, टाटा स्टील ने दूसरी तिमाही के जो नंबर्स पेश किए हैं उसमें प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ के आया है और रेवेन्यू भी साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त आया और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी। टाटा स्टील ने जो दूसरी तिमाही के नंबर्स पेश किए हैं ज़बरदस्त नंबर्स पेश किए हैं और साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी ज़बरदस्त ग्रोथ है और प्रॉफिट में देखिए ज़बरदस्त जंप आया है। EPS भी बढ़ा है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है जैसे हम लोगों ने देखा अभी। और इसका अब डेप्ट की बात करते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड का डेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। टाटा स्टील के ग्रॉस डेप्ट की बात करते हैं तो देखिए लगातार एक तरह से कम हो रहा है। जून 2021 में 73,973 करोड़ का था और अब की बार है 68,860 करोड़ का। तो देखिए ग्रॉस डेप्ट भी ये कम कर रहे हैं और सितंबर 2021 में कम हो रहा है, आगे आने वाले समय में ये डेब्ट भी कम होने वाला है दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड का। और देखिए पिछले कुछ दिनों से टाटा स्टील में क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ शेयर जा रहा है बट प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मुनाफा वसूली हो रही है। देखिए लास्ट ट्रेड में भी 1,304.90 ओपन हुआ है, 1,324.50 हाई बना है, 1,288.35 लो है, 1,299.60 इसकी क्लोजिंग है। ओपन और हाई ऊपर की तरफ है, क्लोजिंग नीचे की तरफ है। तो रिजल्ट तो बढ़िया आया, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है लगभग 1,355-1,370 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहेगी। और जब तक ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 1,426-1,430 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक एक तरह से इसमें मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है और साइडवेज रह सकता है दोस्तों। तो फिलहाल जो अभी सपोर्ट बना हुआ है इसका, देखिए लगभग ये इसने लो किया था, ये किया था दोस्तों 21/9/2021 को नीचे की तरफ आया था लगभग 1,232.90। इसको होल्ड कर जाता है और 1,200 को होल्ड कर जाता है तो स्टॉक हमें कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और ऊपर का जो रेजिस्टेंस इसका रहेगा लगभग 1,430 के आसपास रहेगा, 1,426-1,430 के आसपास। और इसके ऊपर क्लोज होगा तब एक बड़ी तेज़ी की संभावना रह सकती है, नहीं तो स्टॉक हमें साइडवेज दिखेगा। यानी कहने का मीन्स देखिए पिछले कुछ समय से जो ट्रेड हो रहा है इसमें चार्ट पैटर्न के अनुसार ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है और गिरावट हो रही है। तो रिजल्ट तो बढ़िया है बट ये है कि मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है ऊपरी लेवल पे। तो जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मुनाफा वसूली करना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म के लिए है तो स्टॉक को अभी भी होल्ड करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अपट्रेंड में बना हुआ है, डेप्ट भी कम होते जा रहा है तो टाटा स्टील का स्टॉक अगले 6 महीना और 1 साल के अंदर अच्छा प्रॉफिट देता हुआ। दूसरी तिमाही का जो रिजल्ट पेश किया है टाटा स्टील लिमिटेड ने, बढ़िया पेश किया है। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है और ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली
होती हुई दिख रही है, और ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 1427 1430 के ऊपर अगर निकलता है तब इसमें फिर एक बड़ी तेजी आने की संभावना रह सकती है दोस्तों। और सपोर्ट जो बना हुआ है लगभग 1230 और 1200 का बना हुआ है, अगर इसके नीचे फिसलता है तब इसमें थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए, और जिनके पास समय है अभी भी होल्ड करना चाहिए। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।